बच्चों आपने देखा कि किस प्रकार व्यक्तिगत श्रेणी में और खंडित श्रेणी में माध्यिका की गणना की जाती है अब हम अपनी अगली श्रेणी यानी कि सतत श्रेणी में माध्यिका की गणना सीखेंगे लेकिन इसके पहले मैं आप लोगों को ग्रुप को व्यवस्थित करना बताऊंगी कई बार क्या होता है कि जब हम क्वेश्चंस देखते हैं तो हमको समझ नहीं आता है कि वो खंडित श्रेणी का है या फिर सतत श्रेणी का तो मैं आपको इन श्रेणियों को व्यवस्थित करने के कुछ तरीके बताऊंगी। बच्चों जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हम व्यक्तिगत श्रेणी और खंडित श्रेणी के प्रश्न बनाते हैं तो उनकी श्रेणियों को प्रश्न में पहचानना आसान होता है लेकिन कुछ ऐसी श्रेणियाँ आती हैं कुछ ऐसे आंकड़े हमारे सामने आते हैं जब हम समझ नहीं पाते हैं कि वो तीनों में से कौन सी श्रेणी के प्रश्न हैं जैसे कि देखिए ये एक प्रश्न है हमारे पास हालांकि ये दिख रहा है यहाँ पे कि वर्गीकृत श्रेणी का है सतर्त श्रेणी का ये प्रश्न है आपके पास लेकिन हम इसको डायरेक्ट ना बना के इसके लिए हम क्या करेंगे कि जैसे यहाँ पे आप देखिए एल वन जो है वो दस है और एल टू जो है वो उन्नीस है और अगले आ, आ, स्टेप में है एल वन जो है वो बीस है और एल टू जो है वो उनतीस है लेकिन होना क्या चाहिए कि एक क्लास की जो अपर लिमिट होती है वो अगली क्लास के लोअर लिमिट के बराबर होना चाहिए लेकिन इस टाइप के अगर प्रश्न आते हैं मैं यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ श्रेणियों का जो वर्ग का जो वर्ग अंतराल है उनको बराबर करने के बारे में बताऊँगी हम किसी प्रकार के प्रश्नों को यहाँ हल नहीं करेंगे सिर्फ हम ये देखेंगे कि इनको व्यवस्थित कैसे किया जाए तो अगर ऐसे प्रश्न आपके सामने आते हैं जिसमें L2 जो है वो अगली क्लास के L1 के बराबर नहीं है जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 19 और 20, यहाँ पर आप देख रहे हैं उनतीस और 30, यहाँ पे आप देख रहे हैं उनचालीस और 40, तो यहाँ पे जो L2 है वो अगली क्लास के L1 के बराबर नहीं है तो अब देखिए कि ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे हम देखेंगे कि सभी क्लासेस में एल इस क्लास के एल और अगली क्लास के एल के बीच डिफ्रेंस क्या है तो हम देखते हैं कि L2 और L1 में सब जगह आप डिफरेंस देख रहे हैं कि एक का डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है 19 और 20 के बीच 29 और 30 के बीच उनचालीस और 40 के बीच आप देख रहे हैं कि एक का डिफरेंस जो है वो आपको दिख रहा है तो ऐसे कंडीशन में हम इसको व्यवस्थित करने के लिए इसको करेंगे इसको दो भागों में बांटेंगे मतलब हम एक बटे दो करेंगे हमको मिलेगा यहाँ पे पॉइंट अब हमारा नियम क्या कहता है कि ये जो पॉइंट है इसको हम प्रत्येक वर्ग अंतराल में जो L1 है उसमें हम इसको माइनस करेंगे और जो L2 है उसमें हम इसको प्लस करेंगे इस नियम के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो देखिए क्या होता है टेन जो है वो हमारा एल वन है एल वन में हम पॉइंट फाइव को माइनस करेंगे तो हमारी नई क्लास जो है वो बनेगी यहाँ पे नाइन पॉइंट फाइव और 19 जो है उसमें हम इसको प्लस करेंगे 0.5 को तो हमारी अगली क्लास जो है वो बनेगी 19.5 बिल्कुल इसी तरह हम अगली क्लास में चलते हैं ट्वेंटी यानी कि L1 जो है उसमें हम 0.5 को क्या करेंगे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 19.5 और 29 जो है क्योंकि वो L2 है उसमें हम प्लस करेंगे 0.5 को तो ये हो जाएगा आपका 29.5 अगली क्लास में देखते हैं थर्टी है थर्टी जो है वो एल वन है एल वन को हमको माइनस करना है तो ये हो जाएगा आपका थर्टी में हम पॉइंट फाइव माइनस करेंगे तो ट्वेंटी नाइन पॉइंट फाइव और थर्टी नाइन जो एल टू है तो एल टू में हमको क्या करना है प्लस तो हम इसमें प्लस करेंगे पॉइंट फाइव को तो हमको मिलेगा थर्टी नाइन पॉइंट फाइव बिल्कुल इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं यह है आपका 40 40 क्या है l1 l1 में हमको क्या करना है 0.5 को माइनस करना है तो ये आ जाएगा आपका 40 में जब हम 0.5 माइनस करेंगे तो 39.5 और 49 जो कि आपका l2 है उसमें हमको प्लस करना है तो हम 49 में जब 0.5 को प्लस करेंगे तो आएगा आपका 49.5 तो इस तरह से हम L1 में जो हमारा डिफरेंसेस आया है L1 में हम उसको माइनस करते जाएंगे और L2 में हम उसको प्लस करते जाएंगे तो अब देखिए हमारी ये जो श्रेणी है पूरी व्यवस्थित हो गई है जो फर्स्ट में जो इस क्लास की जो लोअर लिमिट है अगले आ, अगले क्लास की वो अपर लिमिट है तो यहाँ पर एल और एल एक दूसरे के सिमिलर होते जा रहे हैं तो इस प्रकार से हमने ये श्रेणी व्यवस्थित कर ली है अब हम अपने जो क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे तो हम ये वाली क्लास को ना लेके हमने जो व्यवस्थित किए हुए क्लास है इसके आधार पे हम प्रश्नों को हल करेंगे। अब बच्चों देखिए अगर इस टाइप का क्वेश्चन है जहाँ पर मध्यमूल दिए हुए हैं और आवृत्ति दी हुई है तो एक बार देखने से ये क्वेश्चन खंडित श्रेणी का लगता है लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ मध्य मूल्य लिखा हुआ है यानी कि मिड वैल्यू लिखी हुई है न कि पद मूल्य जब पद मूल्य लिखा रहता है तो वो x और f मान के हम उसको खंडित श्रेणी में हल करते हैं लेकिन आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि मध्य मूल्य है मतलब मिड वैल्यू है इसका मतलब कि ये कंटिन्यूस सीरीज यानी सतत श्रेणी का क्वेश्चन है और सतत श्रेणी के क्वेश्चन के लिए आपको क्लास की जरूरत पड़ेगी अब इस मध्य मूल्य के आधार पर क्लास किस तरह से निकाला जाएगा वो हम देखते हैं सबसे पहले हम देखेंगे कि इनके मध्य मूल्य के बीच डिफरेंस कितने कितने का है तो आप यहाँ पे देख रहे हैं पाँच से पंद्रह पच्चीस पैंतीस और पैंतालीस मतलब इन सबके बीच में डिफरेंस जो है वो दस का है फिर हम इसको हाफ कर लेंगे जैसे कि पिछले बार हमने किया था तो हमको मिलेगा फाइव अब ये जो हमको डिफरेंस मिला है उसके आधार पे हम क्लास बनाने बनाएंगे तो हम देखेंगे कि फिर हम वही करेंगे l1 में हम इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे और l2 में हम इसको प्लस करेंगे तो क्योंकि हमारे पास यहाँ पे l1 और l2 है नहीं तो हमको इसी एक मिड वैल्यू के आधार पे l1 और l2 निकालना है एक बार इसी में से माइनस करना है और एक बार इसी को हमको प्लस करना है तो जब हम फाइव में फाइव माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा ज़ीरो और जब हम फाइव में फाइव प्लस करेंगे तो हमको मिलेगा टेन तो ये हमारा एल वन एल टू मिल जाएगा वैसे ही फिफ्टीन फिफ्टीन में पहले हम क्या करेंगे एल वन प्राप्त करने के लिए माइनस करेंगे फाइव को तो फिफ्टीन में जब हम फाइव माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा टेन और जब फिफ़्टीन में हम फाइव प्लस करेंगे तो हमको मिलेगा ट्वेंटी बिल्कुल इसी तरह ट्वेंटी फ़ाइव क्योंकि ये हमको पहले L1 निकालना है तो L1 के लिए पहले हम इसी वैल्यू में से 5 माइनस करेंगे तो 25 में से जब हम 5 माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 20 और जब हम 25 में 5 प्लस कर देंगे तो हमको मिलेगा 30 उसी तरह से 35 इसमें अगर हमको L1 निकालना है तो फिर हमको पहले माइनस करना पड़ेगा 5 तो ये हो जाएगा थर्टी और फिर इसी में हमको फाइव प्लस करना पड़ेगा थर्टी में फाइव प्लस करना पड़ेगा तो हमको मिलेगा फोर्टी बिल्कुल इसी तरह फोर्टी फाइव में हम पहले फ़ाइव माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा फोर्टी और जब उसमें फाइव प्लस कर देंगे तो हमको मिलेगा फिफ्टी तो देखिए मिड वैल्यू के आधार पे हमने क्या बना ली क्लास बना ली यहाँ पे और ये व्यवस्थित क्लास है इसमें इसके बाद आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि आप देख रहे हैं कि इनके एल और एल एक दूसरे से के सिमिलर है आपस में मिल रहे हैं तो जब हम मिड वैल्यू के क्वेश्चन को क्लास में परिवर्तित कर लेंगे तो उसके बाद ही हम इस क्वेश्चन को हल करना शुरू करेंगे